चलिए, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे सब लोग? अरे आप कैसे सब लोग? अच्छे है ना? ग्रेट। दूसरा ऑप्शन भी नहीं वैसे। हेलो, चलो सो अभी एक बार रिवाइज करते हैं और आज एक डायग्राम बना के देने वाला हूं। कल अपन ने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ डेटा, बराबर है? तो इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, तो पहला अपन देखा था क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डेटा एंड दूसरा था क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव में आप क्या क्या सकते हैं पता? बजट, बजट क्या है? सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा कल लिख के दिया था, और क्या सकते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट, ये सब कौन सा डेटा है? दिस इज क्वालिटेटिव डेटा। एंड सेकंड है क्वालिटेटिव, जो ऑडिट रिपोर्ट में था मैंने कल कहा था ना, डायरेक्टर का स्टेटमेंट क्या है, प्लस अपन ने कल देखा था, मैंने आपको सीएमएससी आवास का एग्जांपल दिया था कि वहां पे जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होता है, जो डायरेक्टर है वो आके जस्टिफिकेशन देते हैं कि कंपनी का प्लानिंग क्या है, कंपनी के क्या करने वाली है, तो इट्स अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देन कल अपन ने डेटा डिस्कस किया था, इसका जब अपने डायग्राम बनाना है कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। तो दो डेटा के टाइप्स तो ऑलरेडी अपन ने पढ़े, देयर आर फोर मोर टाइप्स ऑफ डेटा। पहला है नॉमिनल डेटा, दूसरा ऑर्डिनरी टाइप ऑफ डेटा, तीसरा इंटरनल एंड फोर्थ रेशो। फोर्थ क्या है? रेशो, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉमिनल स्केल डेटा? जरा आप एक मिनट तक पढ़ लेना, फिर अपने डायग्राम बनाना, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बोलो, आप एक बार पढ़ के बताना। जहां पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कल अपन ने शेयर्स का एग्जांपल लिया था, है ना? कैसे होता है शेयर्स का क्लासिफिकेशन? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप का मैंने डेफिनेशन बताया था, जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू 5000 करोड़ है उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। अच्छा, ये भी बताया था कि सर 5000 करोड़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला क्या बताया था? कंपनी के मार्केट में कितने शेयर्स है? लेट्स से 1 लाख शेयर है, आज का प्राइस कितना है? कल अपने 2 लाख लिया था, कितना लिया था एग्जाम्पल? 5 लाख लिया था, जो भी था, अभी याद नहीं आ रहा है, शायद 2 लाख कंपनी के शेयर है और आज का वैल्यू 25 रुपया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपनी? 50 लाख रुपीज। तो जिनका 5000 से करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल कैप, ठीक है। और क्या देखा था? दूसरा कौन सा टाइप था? ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन होता है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट का रैंकिंग कि टॉप 50 रैंकर्स, ये किस टाइप का डेटा है? ऑर्डिनरी स्केल डेटा है ना, टॉप 10 स्टॉक। देन जब आपको गूगल पे आता है कि इस महीने में कौन से व्हीकल ज्यादा सेल हुए हैं, किस कंपनी ने मैक्सिमम व्हीकल इस महीने में सेल हुए हैं, वो डेटा है। देन इंटरवल स्केल डेटा, जहां पे इक्वल इंटरवल दिए जाते हैं एंड जो अपन कंपैरिजन के यूज करते हैं, बट कल मैंने ये भी कहा था कि ये इंटरवल इक्वल होता है बट इंपैक्ट इक्वल नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर 10 का 20 जब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हीट डबल से बढ़ जाती है, इट्स ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट। या 10 का जब 5 होता है तो वो एग्जैक्टली 50% से कम नहीं होता है। एंड लास्ट कोर्स होता है रेशियो, ठीक है। तो अभी आप एक डायग्राम बनाओ, मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कल मैंने कहा था, हेडिंग लिखो और एक पेज लगेगा अपने को, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसको 4 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, मिनिमम आधा पेज लगेगा, आप उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ, मिनिमम बता रहा, ठीक है। आज आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख के देता हूं। पहला कौन सा है वहां पे नोट्स में? नॉमिनल स्केल डेटा। पहले लिखो नॉमिनल स्केल डेटा, दूसरा ऑर्डिनरी स्केल डेटा,
तीसरा इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। चलो टेबल बना, ऑनलाइन हम भी लिख रहे हैं ना, ऐसा मैं ज़ूम कर रहा हूं। साक्षी आर यू राइटिंग? ओके नाउ लिख लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉमिनल स्केल डेटा। क्या होता है नॉमिनल स्केल? लिखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे लिखो डायरेक्टली बेस्ड ऑन सर्टन, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिर उसके नीचे अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? और इसमें एग्जांपल लिखो, देखो एग्जाम्पल जेंडर। बोलो जेंडर का मतलब क्या, इज इट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल जेंडर फीमेल जेंडर, ये क्या है? दिस इज अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखो पहला जेंडर, नेक्स्ट रिलीजन, बराबर क्या देखो होता है कि नहीं, रिलीजन बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि नहीं होता है? यस, जैसे गवर्नमेंट काफी जगह पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, काफी सारे सब्सिडी मिलते हैं, तो वो स्पेसिफिक कास्ट को मिलता है, तो दैट इज दिस इज नथिंग बट बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये भी क्या है, इट्स अ नॉमिनल स्केल जहां पे गवर्नमेंट ने इवन अपना जो ये होता है रेशन कार्ड, देखो उसमें भी देखो अलग अलग कलर होते हैं, व्हाइट कलर येलो एंड और कौन सा, और उसके हिसाब से कुछ अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो राजीव गांधी का ये राजीव गांधी हॉस्पिटल का स्कीम है, देखो जहाँ पे 5 लाख तक खर्च है तो पूरा फ्री में हो जाता है, यू गो टू एनी हॉस्पिटल, बट आपका वो आई डोंट नो कौन सा होना चाहिए, बट किसी पर्टिकुलर कलर का आपका रेशन कार्ड होना चाहिए, तो यू गो टू एनी हॉस्पिटल वो फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री में मतलब 5 लाख तक गवर्नमेंट पे कर दिया। राजीव गांधी समथिंग स्कीम है, मेरे को याद नहीं है, तो वो भी क्या है, वो भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या है ना, सर्टन क्राइटेरिया किया है। तीसरा लिखो हेयर कलर, देन कंट्री, देन मैरिटल स्टेटस, बस ये हो गए 5 एग्जांपल। बोलो ये स्पेसिफिक है कि नहीं, क्या लगता है आपको, है ना? हेयर कलर मतलब क्या हो सकता है, ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है? अब आईपीएल देखते कि नहीं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर वो ऐसे अलग अलग कलर करके आते, देखो क्या उसका नाम था, वो रसेल, और वो लेफ्टी बैट्समैन देखो उनका हेटमैन, वो भी ऐसे बीच में कलर करता है, वो एक हो सकता है, कंट्री के बेसिस पे हो सकता है, हो सकता है ये कंट्री के बेसिस पे हो सकता है। तो ये है नॉमिनल स्केल जहाँ पे सर्टन कैरेक्टर बेसिस पे अपन उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है? आइए सेकेंड, अच्छा सेकंड ऑर्डर स्केल का पहले बताओ क्या लिखेंगे, मीन याद तक क्लियर है कि? अच्छा ऑर्डर स्केल का मतलब क्या है, देखो मैं आपको और इजी करके बताता हूँ। यहाँ पे बस अपन क्या करते हैं, डेटा को एक ऑर्डर में रखते हैं, जैसे रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3। अभी मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना, हाँ यस वेदन योर राइट। अभी देखो 3 रैंक है, जैसे आपने इंस्टीट्यूट, आप लिखो मत, अपने इंस्टीट्यूट का रैंक है रैंक 1, 2, 3। अच्छा कैसे डिफाइन करते हैं, इज इट बेस्ड ऑन मार्क्स और नॉट, कि आउट ऑफ 800 लेट्स से कितना होना चाहिए, एक सेकंड,
अराउंड 580 मार्क्स अगर आपको आते हैं तो लेट्स से रैंक वन, रैंक टू लेट्स से 565 एंड 535, रैंक थ्री। अभी यहां पे रैंकिंग तो हुआ है 1 2 3, पर बताओ इसमें कुछ रिलेशन है क्या, कोई सिमिलरिटी है क्या? ये रैंक वन का टू में आ गया तो इतने मार्क्स कम होंगे, रैंक टू टू थ्री में आ गया तो इतने मार्क्स कम होंगे, एग्जैक्टली ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है। ये होता है सेकंड जो है, इसे आपका रैंकिंग किया जाता है, बट उसमें ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं। जैसे आपने कल देखा था 10 कंपनीज के, टॉप 10 कंपनी के पी रेशियोस, वो एक इंडिविजुअल डेटा है, उसको आप सेकंड से कंपेयर कर सकते हैं, ये रैंक वन है रैंक टू है, बट ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या कि 25 मार्क कम होंगे तो रैंक टू? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं कि 579 वाला रैंक टू आ सकता है या नहीं? हो सकता है, हो सकता है। बस तो यहाँ पे रैंकिंग किया जाता है, बट उस रैंकिंग में कोई रिलेशन मतलब ऐसा डेवलप नहीं कर सकते। बताओ ऐसा है क्या तुम फॉर्मूला कि 15 मार्क का मतलब एक रैंक नीचे, इट डिपेंड्स मार्क्स कितने हैं। तो इस बार सेकंड रैंक 565 था, नेक्स्ट टाइम 575 हो सकता है कि 5 हो सकता है? ये रैंक के नंबर बदलते हैं, बदलते हैं कि बदलते हैं। मेरे को भी टोटल 530 है, बट मैं रैंक होल्डर हूं, बट हो नहीं, क्यों बता? क्योंकि मैंने एक ग्रुप दिया था, मेरे को 16 में से 11 पेपर में एग्जम्पशन है, तो मेरा टोटल 530 या 540 के आसपास है। तो मैं अगर मैं एक्स्ट्रा देता तो मैं रैंक होल्डर होता, ये बोल के कुछ होता नहीं, बस मानसिक संबंध बाकी जैसे बोल के होता तो क्या होता है, मैं राष्ट्रपति बन जाता है ना। तो मेरे मार्क्स ऐसे 530 540 के आसपास है, बट प्रॉब्लम क्या है, रैंक नहीं है, माइनस रैंक, रैंक ही नहीं है ना, मतलब माइनस रैंक। तो एग्जांपल है, तो इस डेटा को क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डिनल स्केल, जहां पे स्केलिंग किया जा रहा है बट उसमें कुछ आप रिलेशन डिफाइन, बस रैंकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रैंकिंग के बीच में जो डिफरेंस है उससे कुछ आप एनालाइज नहीं कर सकते, बस उसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल डेटा, ठीक है। सो यहां पे लिखो, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखो इट हैज अ नेचुरल रैंक ऑर्डर। हाँ, तो ये रैंकिंग नेचुरली हुआ है कि नहीं हुआ है? नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताओ? डोंट से नेचुरल एस्पेक्ट, नेचुरल का मतलब क्या, हम बोलते हैं ना बट नेचुरल, मतलब नॉर्मली वो ऐसा ही होता है, नेचुरल का मतलब क्या, एक्सेप्टेड थिंग्स। तो जिसके मार्क्स हाईएस्ट है नेचुरली वो क्या होगा, रैंक वन, जिसके मार्क्स सेकेंड हाईएस्ट है वो रैंक टू होगा, एंड जिसके मार्क्स सबसे कम है वो लास्ट रैंक होगा, एंड जिसको मार्क्स ही नहीं वो भी होगा एंड में, दोनों लोग होंगे ना उसमें। चलो अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल में टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड विद हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, हो सकता है वेदर ने अच्छा एग्जांपल दिया कि टॉप 10 कंपनीज विद हाईएस्ट, बट जो कंपनी टॉप मतलब 1 एंड 2 में है वो रैंक के हिसाब से 1 एंड 2 है, बट उस डिफरेंस पे कुछ आप गेस कर सकते हैं क्या? कोई बता सकता है कि कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा तो रैंक टू में आएंगे? ऐसा कोई बता सकता है क्या कि हाँ अगर इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन तो रैंक टू है? नहीं, ये शेयर का प्राइस डेली क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन डेली क्या होता है? व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक बार वापस बताओ, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए मल्टीप्लाई बाय आज का शेयर प्राइस, अभी ध्यान रखना क्योंकि अपने को आगे रोज लगने वाला है एफएम में। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए पर्पसफुली शेयर मार्केट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको उसमें काफी सारी चीजें यूजफुल है इसलिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहला लिखो एजुकेशन लेवल, अब इसमें मैं तीन लिखता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी, बोलो हो सकता है क्या? ये नेचुरल लैंग्वेज में बताओ, अब हम कैसे पढ़ते हैं डायरेक्ट, हम पहले बीकॉम करके फिर एंड में केजी में आएंगे आसान होगा, डायरेक्ट पहले बीकॉम को पढ़ाई करते हैं नहीं तो अभी, हाँ तो उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, इसलिए मैंने वर्ड नेचुरल लिख दिया। ये सिक्वेंस कोई तोड़ नहीं सकता है, ये ऐसे ही होगा, पहले अपन प्राइमरी में जाएंगे फिर सेकेंडरी मतलब अप टू 12 एंड फिर आगे अबव 12, ये रैंक तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, बस ये है। सेकेंड लिखो, सेकेंड इनकम लिखो, ये भी हो सकता है, आपने जगह छोड़ा है ना एक पेज,
इनकम में तो कोई तीन कैटेगरी हो सकता है क्या? लो, मीडियम एंड हाई, हो सकता है कि नहीं बताओ? अच्छा ये नेचुरल है कि नहीं बताओ कि पहले लो इनकम ग्रुप फिर मिडिल इनकम? जब भी गवर्नमेंट में डेटा अनाउंस करती है कि इंडिया में कितने लोग टैक्स भर रहे हैं तो वो कैसे होते हैं? लोअर क्लास, देन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। तो इसमें और एक आप ऐड कर सकते हैं अपर मिडिल क्लास, बट मैंने अभी वो अलग है, ये इनकम लिखा, इनकम तीन ही होते हैं, या तो लो रहेगा, या तो मिडिल रहेगा, या तो हाई रहेगा। आपका हाई रहेगा अगर पास हो गए तो, कंडीशन अप्लाई है ना? यस। तो आप थर्ड कैटेगरी में, आज आपको बता रहा हूं, अनलेस आपने इंश्योर को चैलेंज किया कि देखते सब लोग कैसे ऊपर रहते हैं, देन और क्या हो सकता है? एक्सपर्ट, आप जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में देखो वो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर का पेमेंट उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, बिगिनर लेवल, देन और क्या होता है, बिगिनर लेवल, देन मॉडरेट, एंड देन एडवांस लेवल, एंड देन प्रोफेशनल लेवल। मतलब मैं जिस जिम में जाता हूँ उन्होंने ऐसे उसको क्लासीफाई किया है कि अगर आप बिगिनर लेवल का आपको कोच चाहिए तो फिर मंथली 5,000 है, मॉडरेट लेवल है तो 8,000, एडवांस लेवल 12,000, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है तो उनका प्रोफेशनल कोच है वो चार्ज करते हैं मंथली ओनली 20,000 जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है। करेक्ट ना? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तू बता ये नेचुरल लैंग है कि नहीं, इसको चेंज कर सकते क्या? नहीं। लिखो थर्ड, लिखो एक्सपर्टाइज। बिगिनर इंटर, हाँ बी वर्ड समझा, बिगिनर इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट, अपने से मैच हो जाएगा। पहले लिखो बिगिनर, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड एक्सपर्ट लेवल, या जैसे मैंने कहा बिगिनर लेवल, मॉडरेट, एडवांस एंड प्रोफेशनल, इट्स अ नेचुरल लाइन। आप इसको चेंज, से उसका नाम बदल सकते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं यू कैन चेंज द नेम, बट कैन यू चेंज द ऑर्डर? इज इट नेचुरल लाइन का नाम अलग हो सकता है बट ऑर्डर चेंज नहीं होगा। देन और अभी आप बताओ, और एक दो एग्जांपल आप दीजिए कि और क्या आ सकता है डे टू लाइफ में, इसलिए भी इसमें हम ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, आप सोच सकते हैं कुछ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, आप डे टू डे जो भी काम करते हैं ना उस एक्टिविटी को अपन तीन चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? कि एक ऐसा एक्टिविटी जो हम रेगुलर करते हैं, हो सकता है कि नहीं? एक्सरसाइज हम डेली करते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंटली करते हैं, क्या करते हैं फ्रीक्वेंटली? पढ़ाई कभी कभार करते हैं, या फिर 300 रेगुलर करते हैं विदाउट पे, भोजन एंड रील देखना, ऐसे स्क्रॉल करते हैं। तो ये एक्टिविटी, तो ये आपके जो डेली रूटीन है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट एक्टिविटी, उसके बाद रेगुलर, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट लिखो, लास्ट एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी, एंड देन विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी, हाँ पहला लिखो जो अपने लिए काफी एप्लीकेबल है, नेवर। पढ़ाई कब करते? नहीं होना सर, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप पढ़ते मेरे को बताए, जिस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं? अच्छा बोलो, तुम आंसर दो, तुम एक्सरसाइज कब करती हो? करती हो डेली? हाँ, तुम कब एक्सरसाइज करती हो? नेवर। हाँ देखो इसलिए लिखा, सही कह, मैं प्रूफ कर रहा हूं कि मैं गलत नहीं हूं, नेवर वो है ना, नेवर में। उसके बाद देखो रेयरली, हाँ वो रेयरली में आ गए कि सर कभी कभार मैं साल में एक दो बार एक्सरसाइज कर दूं, रेयरली नहीं सॉरी महीने में दो चार बार, देन ऑकेजनली, मतलब रेयरली से बेटर कभी कभार, वीक में एक दो बार, ऑकेजनली, मैं हूं फ्रीक्वेंटली, में कहां पे मैं फ्रीक्वेंटली, एंड लास्ट में मैं नहीं हूं जो है ऑलवेज। हाँ मैं पढ़ाने में ऑलवेज हूं, मतलब मैं घर पे रहता हूं, मेरी आत्मा यहां पे पढ़ाने को आती है, सो ऑलवेज। बस तो ये एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है,
दिस इज नॉट गिवन मॉड्यूल, मैं आपको रिसर्च करके पढ़ के ये चीजें बता रहा हूँ, तो ये पिछले डायग्राम बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ थर्ड कैटेगरी कौन सा है? इंटरवल स्केल। अभी बताओ उसमें पढ़ के बताओ क्या लिखेंगे वन लाइन में, बहुत सिंपल है इंटरवल स्केल। क्या लिखा उसमें? इंटरवल स्केल मतलब क्या है? जहां पे इक्वल इंटरवल स्केल होते हैं, क्या होता है? इक्वल, यस। लिखो उसमें, हम लिखो अभी लिखो इट हैज इक्वल इंटरवल स्केल। अब वो कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम डायग्राम बना के दो, ताकि क्या थ्योरी पढ़ने में आदमी बोर होता है, चार्ट से एकदम फास्ट होता है। सो जितने पॉसिबल है, फोर्सफुली नहीं, जहां जहां पे पॉसिबल है आई मेक डायग्राम। अब इसके आपको मैं थोड़े एग्जांपल देता हूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट वापस समझाता हूं। अगर आपको कल नहीं समझा है, आज 100% समझा दूंगा। एज एक एग्जांपल हो सकता है, इनकम रेंज, अच्छा इनकम रेंज मतलब अभी देखो मैं आपको बताता हूं कि व्हाइट इज कॉल्ड एज इक्वल इंटरवल। अभी आप सबने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, 0 to 2.5 lakh देयर इज नो टैक्स। तो इस रेंज में कितने भी लोगों टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 2.5 to 5 lakh 5% है, इक्वल है कि सबके लिए? हाँ, एज के हिसाब से, बट जो बिलो 16 के जो इक्वल है कि नहीं, वैसे 5 to 10 ये तो सबके लिए सेम है। एज कोई भी हो, 5 to 10 सबके लिए कितना टैक्स है? 20%। इसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल। ये चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 5 to 10 के ऊपर है तो सबके लिए 30% ऐसा है। देन और क्या लिख सकते हैं? ईयर, देन ग्रेड लेवल इन स्कूल, एंड अच्छा अभी बता दो ग्रेड लेवल, ये भी आपको समझ में आएगा। काफी सारे स्कूल में मार्क्स नहीं दिए जाते, ग्रेडिंग दिया जाता है, तो उनके पैरामीटर्स होते हैं कि इस पैरामीटर में आपको बताऊं ग्रेड ए, इस पैरामीटर में बताऊं, हाँ, तो उस रेंज में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक ही ग्रेड रहेगा, या तो ए रहेगा, या तो बी रहेगा, या तो सी रहेगा, तो उसको बोलते हैं ग्रेड लेवल इन स्कूल। तो ये भी एक कौन सा है? इक्वल इंटरवल। और एक अपन ने कल देखा था जो नोट्स में दिया, टेम्परेचर, वो भी लिख दो, टेम्परेचर भी कहां पे आएगा, या वोल्टेज, टेम्परेचर लिखो, टेम्परेचर एंड वोल्टेज भी लिख सकते हैं। वोल्टेज सीखो, वोल्टेज फिल करना है क्या? अपन ने वहां पे जगह करके रखा है, बस उंगली वहां पे इंसर्ट करना है, बटन ऑन करूंगा, यू विल फिल द वोल्टेज। अगर किसी को प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो आपके पास सभी सुविधा है। लास्ट रेशियो स्केल, जरा पढ़ लो, व्हाट इज रेशियो स्केल, बोलो क्या है रेशियो स्केल? इसमें सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इट इंक्लूड्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, सभी ऐसे ही दिया ना, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, करेक्ट ना? उसके पहले एग्जांपल लिखते हैं, मेरे को एक मिनट दो आपको मीनिंग बताने के लिए, मतलब क्या लिखना है शॉर्टकट में। पहले एग्जांपल लिखो फटाफट, फिर अपने एग्जाम्पल से डिसाइड करते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट थ्री। तो पहले आप लिख सकते हैं यहां पे माइल्स पर आवर, देन टाइम, है ना, माइल्स पर आवर टाइम, ये इसमें आता है। वेट इसमें आता है। अभी ये और इंटरवल स्केल भी आपको सेम दे सकते, जैसे एज दोनों जगह पे आ सकता है कि हमने रेशियो निकाला है इसमें से इतने एज का, तो ये इंटरवल स्केल के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी आपको कॉमन आप यूज कर सकते हैं। जैसे वेट यहाँ पे भी आ सकता है, वेट यहाँ पे भी आ सकता है, एज यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि रेशियो स्केल इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री, तो इसलिए ऐसा होगा कि इसमें से पैरामीटर यहाँ पे भी आ सकते हैं। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसमें, क्या आएगा और? ठीक है, इतने तीन इनफ है, और याद आता मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लिखा इतना आपने, लिखा सबने, तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा कल फोर 3-4 मार्क के लिए, तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं या फिर ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी एक रह गया
रेशियो स्केल में बताइए क्या लिखना है, ये लिख दो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द स्केल्स, बस इतना ही लिख दो। मतलब इसमें क्या है, इक्वल रेंज भी रहेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। क्या लिखना है, इट इज, ये लिखो इट इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिखो रेशियो स्केल पजेसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देखो इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल एंड इंटरनल स्केल। मतलब उसका कुछ डेफिनेशन नहीं है, वो सबको मिलाकर मिक्स भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने इंडिया में लोग हैं जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं और जो ओनली मेल है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे इंडिया में कितने लोग हैं जो ओनली मेल है, मतलब इस नाम का पहले कहां पे आ गया नॉमिनल, एंड मेरे को ऐसे मेल चाहिए, मतलब ऐसे छोटे बच्चे चाहिए जो कहां पे पढ़ रहे हैं प्राइमरी में, तो वो एजुकेशन में ला गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो जहां पे ऐसे तीनों का मिक्स डेटा यूज किया जाता है वो कौन सा स्केल बनता है, रेशियो स्केल। इसका कोई डेफिनेशन नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कंबाइन कर दिया कि जेंडर, हमको कौन सा चाहिए, जेंडर मेल चाहिए, छोटे बच्चे चाहिए जो मेल है और प्री प्राइमरी क्या है पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों डेटा जब मैं कंबाइन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, रेशियो स्केल। दैट्स इट, क्लियर है क्या? तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, परसों जो हमने पढ़ाया था डेटा नॉलेज इन्फॉर्मेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए डायग्राम बना के दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं आज। अच्छा, आज अपने को पढ़ना है कि डेटा डिजिटल कैसे करना है, ओके, हाउ टू डिजिटल एनी डेटा। अब ये बहुत सिंपल है, ये बहुत क्या है, सिंपल है। आपको मैं एक लाइव एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है, कि डेटा को डिजिटल कैसे करते हैं। ये है मेरा लाइसेंस, ठीक है, अभी मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, देखो ये मेरा मोबाइल लिया, आपको हाथ में मोबाइल लेना है, मैं क्या करूंगा, ऐप ओपन करूंगा, कौन सा है, स्कैनर, या यस, तो मैंने स्कैनर ओपन किया, ठीक है, तो ये ऐप है, कौन सा तो भी है, आई डोंट नो, इस पे मैं देखो, ये देख रहे हो स्कैनर, मैंने मेरा लाइसेंस स्कैन किया, ये आपके सामने फोटो लेता हूं। उसका रीजन है कि आपने को यही पढ़ना है, बहुत सिंपल है, दिख रहा है क्या सबको, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, मतलब इमेज दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं इमेज को क्रॉप कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो ये मैं बड़ा कर सकता हूँ, उसको छोटा कर सकता हूँ, क्लैरिटी बढ़ा सकता हूँ, तो डिजिटलाइज प्रोसेस में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आगे पॉइंट्स आने वाले हैं, आप बोलो जैसे एडिट क्यों करेंगे, मैं जिस बता उसका क्लैरिटी देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, उसको मैंने साइज कम किया, बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट किया, देखो नेक्स्ट पर ऑप्शन दे रखे आपको कौन से कलर पे डेटा सेव करना है, तो मैंने नेचुरल कलर सिलेक्ट किया, फिर उसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं रीनेम कर सकता हूँ क्या, यस, उसको स्पेसिफिक फोल्डर में शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, शेयर कर सकता हूँ क्या, बस यही है डिजिटलाइजेशन, यही यहाँ पे पढ़ना है, बस इट इज गिवन इन टेक्निकल लैंग्वेज, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो आप घर पे आपने भी क्या रहे स्कैनिंग, बस वही तो है, बस आपने को भी मार्क्स के लिए थोड़ा पढ़ना है, मतलब एग्जाम्पल को दिखाना है कि हमको पता है। अब ये हम लिख नहीं सकते ना कि ओपन द मोबाइल, स्कैन द दिस थिंग, रीनेम इट, क्रॉप इट, है ना, चेंज द, अच्छा इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं, एंड एडिट में सब, एडिट का मतलब नाम भी दे सकता हूँ, कुछ चीजें भी ऐड करा सकता हूँ, ठीक है, बस वही, बट अपन ऐसे वैसे कट टू कट लिख नहीं सकते, तो उन्होंने वो आपको क्लियर आना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस बना के दिया है, बट वही प्रोसेस है। चलो पहला स्टेप क्या है, आइए पढ़ते हैं पहला स्टेप क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रपोज डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट, मतलब क्या है, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, एकदम सिंपल है, इसका बेनिफिट क्या है, तो आप बताइए, आप
डेटा को डिजिटल फॉर्म में क्यों रखते हैं? कल अपने कुछ तो पढ़ा था, बोलो पहला सेफ्टी, देन यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम ऑल लोकेशन। हमारे कर रहा हूं गूगल ड्राइव, हमने गूगल ड्राइव पे डेटा अपलोड किया, कैन यू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड? अच्छा खाली आप ही एक्सेस करते हैं, मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं? मल्टीपल लोग, अच्छा मल्टीपल लोग मल्टीपल लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं? आप जिसको उसका एक्सेस दोगे एक्सेस कर सकते हैं, बस वही दिया है। तो बेसिकली आप जब कोई भी डेटा को डिजिटलाइज कर रहे हैं आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा को डिजिटल फॉर्म में लेके आएंगे उसका ऑब्जेक्टिव अगर पता नहीं रहेगा तो कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, एक स्कूल ने डिसाइड किया कि जितने भी स्टूडेंट्स पास हो रहे 10th होके जा रहे उनका डेटा हम डिजिटल फॉर्म में रखेंगे। क्या रखेंगे? अभी व्हाट इज डिजिटल फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। तो आप बताइए स्कूल का पर्पस क्या होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली उसको ई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या उसका कुछ यूज भी होना चाहिए? उसका यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए? एग्जांपल लेता हूं, सुनो ध्यान से। जैसे इमेजिन करो आपका 10 का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, अभी तो वो इसमें अवेलेबल है गवर्नमेंट का जो आप डिजिटल लॉकर, बट नहीं होता तो आप कहां पे जाते? यू वुड हैव गॉन टू स्कूल, सर मैंने 1996 में 10th पास किया है, मेरा सर्टिफिकेट खो गया है, प्लीज डू मी फेवर एंड गिव मी कॉपी ऑफ इट। फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो ऊपर से निकालेंगे रजिस्टर, उस पर फटका मारेंगे, धूल निकालेंगे, देखेंगे हाँ ये स्टूडेंट था, फिर वो सर्टिफिकेट बना के देंगे। सही बोलो के नहीं? तो उनको ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अपने को जो स्टोरेज का स्पेस है वो क्या करना है? मिनिमाइज करना है। कोई स्टूडेंट आता है तो कभी भी उसको उसको अगर डिजिटल फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे अपन? We'll just put his number and automatic क्या जाएगा? वो display होगा, print निकाल के principal का sign करके आपको data दिया जाएगा। इसको बोलते हैं object। तो अगर school को ये object नहीं पता रहेगा तो देखो क्या होगा, आप गए school के पास, आपने कहा सर मेरे को certificate चाहिए, बोले हाँ हमारे पास है ना, तो उसने आपका number डाला, देखो ये आ गया, आपने कहा दोन सर, school ने कहा नहीं इसमें printing का facility नहीं है, तुम खाली ऊपर से फोटो निकाल लो। अभी ऐसा 10th का मार्कशीट ऊपर से फोटो लिया वैलिड होगा क्या? कहीं नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि इसका स्टूडेंट का फायदा हो, तो प्रिंट का फैसिलिटी होना चाहिए। मैं एक बहुत छोटा चीज बता रहा हूँ, प्रिंट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव बट इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि इट इज एक्सेसिबल टू एनी वन एनी टाइम। खाली उस पर रखे वो स्कूल बोले नहीं हमने हमारे रिकॉर्ड पर रखा है, तुम्हारे लिए इसके अंदर प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या पागल लोग, व्हाट इज यूज? ऐसा आधा सिस्टम क्यों बना के रखा है? बोलेंगे कि नहीं, जिसका फायदा निकाले स्कूल को फायदा है। तो इसका ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो डिजिटल प्रोसेस कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो फिर आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे उसका भी आपको फायदा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे दिया है, एट द वेरी इनिशिएशन ऑफ द डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट नीड टू बी आइडेंटिफाइड, ऑल्सो नीड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, इसका कॉस्ट भी पता होना जरूरी है। अच्छा कॉस्ट का मतलब क्या है? एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप गूगल ड्राइव स्टोरेज यूज कर रहे हैं, अभी हम पेड वर्जन पे आपका डेटा बहुत कम है, हमको मतलब इतना अमाउंट डेटा क्लाइंट का कि 10 TB का स्पेस हमको लगता है, तो 2 TB के लिए गूगल चार्ज कर रहा है साल का 6500 एंड आई हैव गॉट 5 अकाउंट्स, मतलब इतना डेटा क्लाइंट का है तो कितना हो गया देखो 6000 × मतलब कितना हो गया 33,000 rupees या 32,500 हो गया, आपको ही देना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे न्यू लैपटॉप स्टोर डेटा आज में दे रहा हूं आपके, तो आप मेरे से ज्यादा भी स्पेस ले सकते हो, अगर आपको और क्लाइंट मिले तो यू विल बाय 100 TB स्पेस। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ऐसा तो इसका कॉस्ट कैलकुलेशन करना भी क्या है जरूरी, क्योंकि वो रिकरिंग कॉस्ट है। अभी क्लाइंट का डेटा मैं हटा सकता हूँ क्या? नहीं हटा सकता, वो रखना ही पड़ेगा मेरे को एटलीस्ट 8 साल 10 साल तक रखना पड़ेगा, तो उतना स्पेस हमको रखना पड़ता है। एंड पहले हार्ड ड्राइव में रखते थे, मैंने एग्जाम्पल दे दिया हुआ, वो डेटा रिकवर करने के हमारे इतने पैसे गए, फिर हमने उसको पूरा किस पर डाल दिया डिजिटल फॉर्म में, उसको लॉक करके रखा है ताकि कोई एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब स्टाफ भी एक्सेस नहीं कर पाए, उसको मेरे पासवर्ड से लॉक कर रखा है। वो सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, अगर डेटा अगर हो गया जैसे स्टाफ छोड़ के जाता है वो हमारे काफी बार क्लाइंट में लेके जाता है, हाँ मतलब स्टाफ को ट्रेन करते हैं 3 साल में वो चैंपियन बनता है ऐसा उसको लगता है, बोलते कि अभी ये मैं भी कर सकता हूँ, तो बोलते हैं सभी मेरे को आ रहे हैं मैं 15 जन में ऑफिस काम क्यों करूँ, बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो काफी बार क्लाइंट भी लेके जाते हैं, ऐसा होता है हमारे साथ भी हो आपके साथ भी ऐसा होगा।
फिर हमने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया, फिर हम उसको फाइनलाइजेशन हम सिखाते नहीं, फाइनलाइजेशन मैं खुद ही करता हूं, मेरा पार्टनर ही करता है, तो उसको हम आधा डॉक्टर बना के छोड़ देते हैं, मतलब ऑपरेशन नहीं कर सकता, बता सकते कि पेट में सीजर है तो वो मैं निकाल नहीं सकता, क्या करेंगे अभी। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एम्प्लॉयर को सिखा रहे कि सर हम आपके क्लाइंट लेके जाएंगे, और मैं जो काम 50,000 कर रहा हूं बोलता है सर आपका काम वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल सब कुछ नहीं कर रहे, 10,000 में करके दूंगा, क्योंकि उसको खुद को बढ़ा होना है, फिर वो नए क्लाइंट को हम जो 50,000 में 10 में करता है, मैं 10 में कर दूं उधर मैं फोकट में करता हूं ऊपर से आपको पैसे देता, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर हमने स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज कर दिया कि फाइनलाइजेशन हम ही बैठ के करते ताकि तो उसको ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको इतना आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या करेंगे हमारी मजबूरी, हम तो उसको पूरा सिखा देते बट वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया मतलब हमारे स्टूडेंट लेके जा रहे बोला भैया अच्छा है एक हम लोग ट्रेन करें अच्छे से और उसके तुम हमको ही चुना लगा रहे, फिर हमने उसको आधा बढ़ के छोड़ दिया, तो उसको आता है बट वो एंड तक उसको पता नहीं कि पनिशमेंट कैसे फाइनलाइज किया है, उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज हम काम करते हैं, पहले वो पूरा हम सिखा देंगे ऐसे ऐसे करना है बट ऑप्शन नहीं देता है। हाँ कुछ लॉयल है हमारे एम्प्लॉय उनको पता है ऐसे, तो ये नई चीजें सीखने को मिलती है। देन असेसमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, तो बता सकते हैं कैसे रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट असेसमेंट फॉर द रिसोर्सेज दैट मे फेसिंग क्विक डिस्क्रिप्शन मे बी रिक्वायर्ड अर्ली डिजाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्सपेक्टेड वैल्यू जनरेशन थ्रू डिजाइन शुड बी एक्सप्रेस इन क्लियर टर्म, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपको किस पर्पज के लिए डिजिटलाइजेशन करना है वो पता होना चाहिए, सेकेंड कॉस्ट एस्पेक्ट पता होना जरूरी है, अभी जिनके लिए ये गूगल ड्राइव लेना पॉसिबल नहीं है वो अभी भी पेंड्रॉइव में डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये क्लाइंट बोलते सर आपका एड्रेस लेकर हम आपको कॉपी करके देते आप आपका डेटा संभाल के रखो ताकि करप्ट होकर जो है वतन तुम्हारे हवाले से आते, या कुछ लोग होते क्लाइंट की आप ही डेटा सोने लेके गूगल ड्राइव में डाल दो डेटा लेके, तो ये अलग अलग ऑप्शन आपको निकालने पड़ते हैं, राइट, तो डिपेंड्स कैसे करना है। अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या हो सकता है मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हाँ एनी ट्राई करो, नहीं आए तो प्रयत्न करो, बोलो प्लीज पुण्य आपको करके क्या हो सकता है, सोचना। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, मैंने बेनिफिट का एग्जाम्पल दिया, स्कूल का एग्जाम्पल दिया, कॉस्ट का एग्जाम्पल दिया कि आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा उस पर खर्च करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दे दूंगा ध्यान से सुनो, अभी मैं जो वेबसाइट से ऑर्डर आते हैं ना हम मैन्युअली प्रोसेस करते हैं, मतलब वेबसाइट से ऑर्डर मेरे ईमेल में आता है, मेरा स्टाफ एंटर करता है और एंटर करने का फिर वो सीरियल की बना के पूरा मेल ड्राफ्ट करके आपको भेज देता है, ठीक है, ये हमारा मैनुअल प्रोसेस था, तो अभी मैंने इसको पूरा ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन मतलब क्योंकि उसमें क्या होता था चोरी होने के चांसेस होते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ क्या हुआ एक स्टाफ ने डायरेक्ट मेरे बैंक पे ऑर्डर लिया, पेमेंट किसी और अकाउंट में लिया और उसको सीरियल की वगैरह प्रोडक्ट भेज दिया, समझ में आ गया क्या, मतलब सेल की पूरा खर्चा मेरा, पैसा कौन सा अकाउंट में लिया उसके अकाउंट में, उसको पता नहीं कि मैं सब करके बैठा हूँ, मैं भी ऑडिटर हूँ, करेक्ट ना, तो उसको पता नहीं कि मंथ एंड में सब चीजें मैं चेक करता हूँ, तो मैंने जब रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट में दिखा रहा था कि 200 सेल की जनरेट हुए एग्जाम्पल सिस्टम पे, बट हमारे जहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करते वहां पे 199 दिख रहा था, मतलब क्या है एक सेल की एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, मैंने बोला ढूंढ कौन सा, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मेरे को पता चल गया ढूंढा एक सेल की कौन सा है, इमीडिएटली स्टोन को उसके सामने फोन किया, मैंने बोला भाई ये तेरा सेल किया तूने पेमेंट कब किया था उस पे डिटेल भेज, उसने भेजा पकड़ा गया किसने किया, समझना गया, अभी ये मैंने चेक किया, अभी ऐसे में कितने चेक करूंगा बता, रोज चेक करूंगा हर महीने, तो मैंने टाइम बचाने के लिए अभी क्या कर दिया ऐसे सिस्टम लाया कि वेबसाइट से ऑर्डर जब आता है ना डायरेक्ट सिस्टम से मेल जनरेट होकर जाता है, जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, जीरो
अभी चोरी हो सकता है क्या? नहीं। तो यह है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कि मेरे को पता है कि आगे जाके स्टाफ मिलना मुश्किल होने वाला है। डे बाय डे अच्छा स्टाफ से फिजिकली तो लोग मिलते हैं, बट वो काम करने का कैपेसिटी भी होना चाहिए, करेक्ट ना? क्योंकि क्या होता है, उसको थोड़ा पगड़ ज्यादा मिला तो वो छोड़ के जाता है। और हमको एमबीए में सिखाया गया था कि जंपिंग मंकीज नेवर सक्सेस, समझा कि नहीं? जैसे बार बार जॉब स्विच करते हैं पैसे के लिए, हर एक चीज पैसे से नहीं होती, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है। वो पैसा इनिशियली होता है 3-4 साल, बट फिर बाद में भाई पैसा कम मिला तो चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना? मतलब हाँ ऐसा है। तो उसको बोलते हैं अवेलेबल रिसोर्सेस। तो मेरे को पता था कि आगे जाके बंदा छोड़ के गया तो मैंने ऐसा ईआरपी भी डेवलप किया, 3 दिन में ऑफिस में इंप्लीमेंट कर लिया। ऑर्डर जैसे वेबसाइट से आएगा डायरेक्ट सेटअप विल गो, जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन। पहले वो मैन्युअली जनरेट करता था सेल, कभी कभार गलती से दूसरा भी प्रोडक्ट का सेल भी जनरेट हो जाता था, उसकी गलती, रिकॉर्ड मेंटेन करता था और उसका कॉस्ट तो मेरे को लगता था कि नहीं, तो हर महीने मेरा 4-5 हज़ार का नुकसान होता था, बिकॉज इतने सारे मेरे प्रोडक्ट है, स्टाफ वो भी इंसान है, सीए की जगह सीएमए का प्रोडक्ट भी दे दिया, तो बच्चे को देने थे सीए के लेक्चर मिल गए, सीएमए के देना था सीएस का, उसको गया सीए का, क्योंकि मैं सब जगह पर टैक्सी पढ़ा था, बट तीनों के क्लासेस में अलग लेता हूँ, रिकॉर्डिंग अलग करता हूँ, ऐसे नहीं कि इसका इसको चिपका दिया, अपन वैसे काम नहीं करते, तो उसको इतना समझ में नहीं आता है। तो ये इसको बोलते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज। तो अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज डे बाय डे कम होने वाले हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, बिजनेस पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये उसका एग्जाम्पल। बिकॉज मेरे को पता है कि आगे जाके ये स्टाफ भी छोड़ के जा सकता है, मैं कितनी बार हर बार मेरा ऑफिस आरएनडी बना के रखूंगा कि आओ मेरे ऑफिस में सीख लो, फिर अच्छा पगार मिलेगा तो मेरे को लात मार के निकल जाऊंगा। सही बोल लो, मेरा ऑफिस आरएनडी हो गया था, सब सीखने वाले हैं, तो अभी हमने इतना ऑनलाइन कर दिया कि अभी स्टाफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटेड ऑर्डर, डायरेक्ट सिस्टम के एक स्टाफ रहेगा पर वो मैनेज करने के लिए कुछ देख वो ऑब्जर्वेशन के लिए रहेगा। प्लस दूसरा फायदा, मेरे को हाई स्किल सेट के बंदे की जरूरत नहीं है कि पूरा काम कौन करना है। हाँ पहले स्किल वाला बंदा लगता था, उसको आना चाहिए वो उसमें जाने का, सैलरी जनरेट करने का, उसका ऑर्डर चेक करने का, दिमाग ला के भेजना, अभी कुछ डायरेक्ट कहाँ से जाएगा, डायरेक्ट जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, जीरो। किसी के नोट्स पूरे करके ट्रैकिंग आईडी सिस्टम में डाल दिया, सिस्टम से बच्चों को मिल जाएगा कि ये तुम्हारा ट्रैकिंग आईडी, कुछ भी नहीं, काम इसने अभी। तो ये है, इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने क्यों किया, क्योंकि रिसोर्सेज इधर क्या होने वाले, कम होने वाले, तो मैं कितनी बार हर बार जीरो से स्टार्ट करूंगा, उसको पढ़ाओ बैठाओ सिखाओ सब, टाइम नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। तो ये आपको देखना है, तो ये मेरा पर्पज था। ये अभी क्या है, मैंने काम को क्या किया, डिजिटल उसको उठा लिया, गुड मॉर्निंग, नहीं मेडिटेशन कर रहे, सो नहीं रहे, उसको गलत मत समझना। सेकंड असेसमेंट, ओके, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ असेसमेंट, बता अपने इनकम टैक्स में असेसमेंट का मतलब, इनकम टैक्स में असेसमेंट मतलब आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसको डिपार्टमेंट क्या करता है, चेक करता है। तो जैसे जब मैंने डिसाइड किया एक साल पहले कि अपने को ईआरपी सिस्टम लेके आना है, ये एक साल से काम चालू है, तो पहले मैंने स्टाफ को बोला भाई तू सब लिख रिक्वायरमेंट की ऑर्डर आने के बाद, ऑर्डर जाने तक, जब तक उसका प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं होता है, रिन्यू करने के बाद या तो पास होके छोड़ देगा या तो फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देगा, उस तक क्या क्या काम इन्वॉल्व है वो हमने सब लिखे, एंड उसको पूरा हमने क्या कर दिया, ऑटोमाइजेशन ऑटोमेट करके दिया। तो उसको बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कि मेरे को जो भी काम डिजिटल फॉर्म में लेके जाना है वो अपन ने उसका अगर सॉफ्टवेयर सही नहीं बनाया तो फायदा हुआ क्या, बता? जो आप डिजिटल प्रोसेस कर रहे हो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं रहेगा तो उसका फायदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐप दिखा जिसमें डेटा तो स्कैन हो रहा है बट आई कैन नॉट रीनेम इट, तो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 नाम से 1000 डॉक्यूमेंट सेव हो गए, मैं सर्च कर पाऊंगा क्या कौन सा डॉक्यूमेंट है, नहीं बस यही दिया है। इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑल द रिकॉर्ड्स नेवर डिजिटलाइज, द डेटा रिक्वायर्ड डिजिटाइजेशन टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है, जो मेरे बुक्स है, जो लोग हार्ड कॉपी लेते हैं उनको तो कुरियर करना ही पड़ेगा, हर एक डेटा को हम डिजिटल फॉर्म में नहीं ले सकते। सम डेटा में भी डिजिटल इन कंसोलिडेटेड फॉर्मेट, सम डिटेल फॉर्मेट, द फाइल्स टेबल डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर यूज टू बी एक्सेस एंड इवैल्यूएटेड फॉर द, मतलब कितना डेटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कितना नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना जरूरी है। तो मैं हमारा पूरा डेटा डिजिटल फॉर्म में तो हो नहीं सकता, बट 80-90% मतलब जो चोरी होने का जो स्कोप था वो मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि अभी
वो सेल के एटम सिस्टम जनरेट करेगा, तो देयर इज जीरो ह्यूमन इंटरेक्शन। पहले मैं हर बार चेक करता था, बट अभी मेरा चेकिंग का भी काम क्या हो गया, कम हो गया, वो दिया है। द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर डिसीजन आर आल्सो असेस्ड, मतलब क्या है, जब आप पेंडर लेक्चर्स लेते हैं तो उसमें हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको दिया जाता है। तो जो बंदा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर बना रहा है, सी इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर क्या है, लेक्चर इन डिजिटल फॉर्म, लेक्चर इन, तो जो बंदा इंक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको पता होना चाहिए कि इंडिया में भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो नॉर्मली आपका विंडोज 8 एंड प्लस होना चाहिए, अगर माँ दादा के जमाने का कंप्यूटर है ये विंडोज, मतलब एकदम पुराना है, तो फिर उस पर लेक्चर चलते नहीं, हैंग होते हैं, बस वही दिया है। तो ये जब भी आप सिस्टम बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके सॉफ्टवेयर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कितना खर्चा उसको आएगा। तो ये हमने चेक किया, तो अभी जो मैंने सिस्टम बना के लिया है उसको 2.5 लाख रुपया खर्चा है, 2.5 लाख का सॉफ्टवेयर। बट मेरे को पता है कि एक बार बन गया तो क्या है, लाइफ टाइम है, तो उसका बड़े बड़े कंपनी से तो करोड़ में होता है। दो दो हमने ERP सिस्टम देखा कंपनी में, लाखों करोड़ रुपए कंपनी खर्च करती है इतना ऑटोमेट करने के लिए, तो ये कुछ भी नहीं है। द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, वो भी प्लान करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट लाइक नेचुरल डिजास्टर, साइबर अटैक ऑल्सो नीड टू बी कंप्लीटेड। व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, सिस्टम क्रैश हो सकता है कि नहीं, हैक कर सकता है कि नहीं, यस, बट अपना डेटा कौन हैक करेगा, कोई हैक नहीं, मतलब मेरे डेटा हैक करके भी क्या होगा, कुछ भी फायदा नहीं, तो मेरे लिए वो रिस्क जीरो है, ऐसा है। तो ये आपको असेसमेंट करना है, क्या क्या असेसमेंट करना है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, देन उसमें क्या क्या रिस्क आ सकता है, जैसे साइबर अटैक, डेटा सिक्योरिटी, ये सब देख के आपको क्या करना है। जैसे एप्पल का फोन, व्हाई एप्पल फोन इज फेमस, सिक्योरिटी उसकी बहुत जबरदस्त है, बाकी ठीक है फीचर्स कम है, बट इफ यू कंपेयर टू एनी एंड्रॉइड फोन विच इज द मोस्ट सिक्योर फोन, एप्पल मोस्ट सिक्योर फोन है, तो उनका फोकस उसमें था कि आपको एकदम सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोबाइल में अपने पासवर्ड वगैरह सब रहना है, वैसा है। जिससे आपको प्लानिंग करना है एकदम सिंपल, प्लानिंग का मतलब क्या है, फेज वाइज अपने को देखना है कि क्या क्या चीजें डिजिटल फॉर्म में लेके जाना है। जैसे मेरा पर्पस क्या था, ये जो मेरा ऑर्डर मैनेजमेंट है पूरा कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन, पहले मैन्युअली हम करते थे, एक्सेल पे हर चीज एंटर होता था, अभी हमने सब क्या कर दिया उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है ना। सो वो दिया है, सिलेक्शन ऑफ अप्रोच, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब देखना है। द इंस्टीट्यूशन में डिसाइड टू कंप्लीट द डिसीजन इन हाउस या आउटसोर्स एजेंसी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंफोसिस को अगर कोई डिजिटलाइजेशन करना है उनकी कंपनी में एनीथिंग का, बोलो वो खुद करेंगे या बाहर से करके लेंगे, इंफोसिस बाहर से करके लेगा, वो सॉफ्टवेयर जाते रहो, हाँ वो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, और मेरे को करना है तो बाहर से, क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर का अदर देन स्किल कुछ भी नहीं पता, अगर मैं बनाने बैठा तो इस जन्म नहीं नेक्स्ट जन्म भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सी प्लस को देख के मैं हैंग हो जाता हूँ, समझते नहीं वो क्या चल रहा है, वैसा है। तो उसका प्लानिंग करना पड़ेगा कि खुद करना है या आउटसोर्स करके लेना है। फिर अगर आउटसोर्स करके लिया तो उसका भी कॉस्ट रहता है। आपको एक नाम बताता हूँ, आपको पता है क्या, जो बुक्स फ्लिपकार्ट देखा रहेगा, जो बुक्स ZOHO, नहीं पता आपको, तो नाम भी नहीं सुना क्या आपने, कभी टाइम लगा तो गूगल पे देख लेना जो बुक्स। तो जो बुक्स में क्या है, मेरे पास अगर यहाँ पे नेट कनेक्शन है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेट मी सी अगर है क्या, ये जो बुक करके कंपनी है, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर बना दे। अच्छा नहीं, तो यहाँ पे ना आप आपका अकाउंटिंग इन्वेंटरी पूरा रख सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब जिनके लिए बाहर से बना के लेना पॉसिबल नहीं है, तो आप में से जिन लोगों के पेरेंट बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत फायदे का है। अच्छा मैं इतना मार्केटिंग एजेंट नहीं हूँ, फर्स्ट ही मतलब हाँ कोई मेरा कमीशन होगा कुछ भी नहीं, तो आपको मेरा कोई कोड यूज नहीं करना है, बट इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। नहीं बच्चों को डाउट आता है कि सर कुछ तो झोल है, सर किसी पॉलिसी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट ना। सो यहाँ पे भी यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, है ना। आपका तो अकाउंटिंग नीड, आपका जीएसटी के इनवॉइस बनना, इसमें आप पेमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, आपका पेमेंट जो बैंक में आता है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे पेमेंट मिल जाता है, नॉट ऑटोमेटिक, मतलब वंस यू लिंक योर बैंक अकाउंट
डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तो आप में से जिन लोगों के पेरेंट, कितने लोग पेरेंट बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है एंड फ्री है, मतलब बेसिक पर्पस के लिए वो फ्री है। अगर बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस है तो चांसेस है, बट बेसिक है तो हम सभी क्लाइंट को यही सजेस्ट करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या बताता हूँ, क्लाइंट ने डेटा हमको ऑटोमेटिक वो शेयर हो जाता है, उसका एक्सेस हमको देता है, वीक डेटा हमको मेल में खेलने की जरूरत नहीं है। प्लस इसमें आप आपके एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी दे सकते हैं कि इसका काम खाली अकाउंटिंग है तो शी विल नॉट हैव एक्सेस टू एनी अदर डेटा, ये भी कर सकते हैं। इंडिया में सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, तीनों है, सस्ता भी है, सुंदर भी है और टिकाऊ भी है, वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर, वेरी पावरफुल, सब कुछ है इसमें। डायरेक्ट जब भी बिल जनरेट होता है ना, ऑटोमेटिक क्लाइंट को मिल निकल जाता है बिल का, वापस बिल मेल करने की जरूरत, टाइम सेव होता है। क्लाइंट ने पेमेंट आपके बैंक में जमा कर दिया, वो डायरेक्ट यहाँ पे दिखता है कि पेमेंट आ गया, इतना जबरदस्त पूरा ऑटोमेटेड है, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन। मतलब इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना क्या है, कम है, बहुत बड़ी कम है। तो ऐसा है, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्स करना। तो आप आउटसोर्स करना ही बेटर है छोटे बिजनेस में, सिर्फ खुद के बनाने में क्या प्रॉब्लम बताता, खुद का सॉफ्टवेयर बना के लेते, बट डेटा सिक्योरिटी मेजर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये कंपनी जितना डेटा सिक्योरिटी दे सकती है उतना अपन, जैसे ये लोग अमेजोन का सर्वर यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, जो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, आपने को अमेजोन का सर्वर लेना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। देन फेज फोर, यहाँ पे आपको डिजिटल एक्टिविटी क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो ये एक सोसाइटी है, उन्होंने 6 फेज का प्रोसेस दिया, ये एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटलाइजेशन एक्टिविटी में क्या क्या करना है। पहला प्लानिंग करना है, कैप्चर, अच्छा मैंने जो आपको करके देखा था वो क्या था, कैप्चर था कि नहीं, मैंने फोटो कैप्चर किया। प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको दिखाया कि उसका ऑप्शन देखिए आपको कौन सा नेचर कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। एडिट कर सकते हो कि, मैंने आपको पूछा था कैन आई क्रॉप द इमेज, यस आप भी यूज कर दे, क्रॉप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, साइज एनलार्ज कर सकते हैं, सभी ऑप्शन है। सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, मतलब क्या है, आप जब फोटो निकालते हैं दो ऑप्शन है, एक गैलरी में रहेगा या फिर गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं, बस वो है। तो ये सब आपको करना है। देखो पहला क्या है, पहले डॉक्यूमेंट्स, उसका क्या होगा बोलो, पहले स्कैनिंग, मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने जो ड्राइविंग लाइसेंस था मैंने उसको क्या किया, स्कैन किया। उसके बाद एडिट किया कि नहीं किया, एनालिस भी कर सकते कि उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, मतलब कलर वेलर कुछ चेंज करना है क्या। अच्छा एनालिस क्या करना है, टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकता है या टेबल फॉर्म में हो सकता है। अच्छा ओसीआर को लॉन्ग फॉर्म क्या, किसको बताएंगे, आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं पढ़ा था, श्योर जरा गूगल पे ढूंढो, ओसीआर का लॉन्ग फॉर्म देखो, आपने आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं रहा, तो ओसीआर वगैरह ऑप्टिकल कैलकुलेटर ऐसा कुछ आपने सुना कि नहीं। देखो ओसीआर का लॉन्ग फॉर्म ऑप्टिकल, मतलब एक टाइप का स्कैनर ही है। फिर यहाँ पे डेटा क्या होगा, सेव होगा। अच्छा सेव होते समय फॉर्मेट पूछता है कि आपको इमेज फॉर्म में, मैंने जो आपको ऐप दिखाया है उसमें ऑप्शन आता है कि डू वांट टू सेव दिस एज इमेज, एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ पीडीएफ, क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको कहीं पे आपको, जैसे आपको अगर आधार कार्ड देना है किसी को, अगर आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में देंगे तो उसका क्लैरिटी कम होता है, अगर उसको प्रिंट करना है तो उसको इमेज फॉर्म में दो ताकि उसका प्रिंट क्वालिटी बेटर आता है। तो डॉक्यूमेंट एक ही होता है बट आपको किस पर्पज से यूज करना है उसका फॉर्मेटिंग अलग अलग होता है, तो वही दिया है। अच्छा स्कैनिंग में क्या क्या हो सकता है, क्रॉप कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एंड फिर उसका आउटकम आएगा, बस। तो ये उसका प्रोसेस दिया है, अच्छे से पढ़ के रखना। द प्लानिंग शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड एट द फर्स्ट स्टेज, कैलिब्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्कैनिंग इज डन, अ प्राइमरी क्वालिटी चेक इज डन ऑन द आउटपुट टू चेक रिलायबिलिटी, क्रॉपिंग, कलर करेक्शन, असाइनिंग मेटा डेटा एक्स्ट्रा ड्रेस डन एट द एडिंग एज, द फाइनल चेक ऑफ क्वालिटी इज डन ऑन रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल्स, फाइनली यूजर कॉपीज आर क्रिएटेड, अपलोडेड एंड डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस आफ्टर डूइंग दिस फाइल वैलिडेशन। जैसे अभी यहाँ पे अपना गवर्नमेंट एक जगह पे फेल हो रहा है, कहाँ पे, आधार कार्ड, आधार कार्ड के फोटो कैसे जाए, अच्छे रहते हैं खराब रहते हैं,
खराब रहते, तो मैं संडे को एक आई थिंक यूट्यूब में देख रहा था या गूगल पे, तो मैंने बहुत अच्छी शायरी करी इससे पहले, आपको बता उसमें क्या लिखा था, मतलब रिलेटेड टू आधार कार्ड था, मैं ऐसा कुछ तो पढ़ रहा था रैंडमली टाइम पास ही कर रहा था, तो दो लाइन आई थी, क्या था मैं भूल गया, इतनी याद कर रहा हूँ, बहुत बारीक से लिखा था आधार कार्ड के ऊपर, जबरदस्त लिखा था, छह दिन हो गए हमने, हाँ ध्यान से सुनना, मैं कोशिश करता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, वो तुमको गुमराह करेगी, डीपी व्हाट्सएप का डीपी लिखाते ऐसा लिखा था, है ना, वो तुमको गुमराह करेगी व्हाट्सएप का डीपी दिखाते, बट तुम आधार कार्ड पे बने रहना, आड़े रहे सॉरी, तुम आधार कार्ड पे आड़े रहना, ऐसा उसमें वो लिखा था, इसमें कोई याद आती है, गवर्नमेंट ने ये बराबर सॉफ्टवेयर नहीं बनाया पूरा, मतलब चेहरे की वाट लगा दी, मतलब अब हम खुद को पहचान नहीं पाते, मतलब मेरा तो फोटो देखेंगे आधार कार्ड का तो मैं दिखता ही नहीं, ऐसा मेरा बॉर्डर दिखता है, वो करता है ऐसे इमेज एनोनिमस होता है, बस वैसा मैं दिखता हूँ, आके देख के ढूंढना पड़ता है मेरे को किधर है, मतलब ऐसा ना मेरे को हैंडीकैप का दर्जा मिल जाए, इसलिए तो आपको नहीं है, उस बेसिस पे कंफर्म मिल जाएगा, ऐसा खतरनाक फोटो है, एनीवेज ठीक है, एंड फिर उस प्रोसेस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, बस आज इतना ही करते हैं एंड बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज का सब समझ में आ गया, ये प्रोसेस काफी आसान है बट डायग्राम इंपॉर्टेंट था, इस प्रोसेस में कुछ नहीं, वेरी सिंपल प्रोसेस बट डायग्राम अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है, चलिए गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इसी जगह पे इसी समय में, एक घंटा पहले मिलना है, चलिए ऑनलाइन थैंक यू सो मच, साक्षी आवाज आ रहा है ना, चलो ऑनलाइन थैंक यू एंड बाय बाय।